वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुंदन बैंगल्स, डिज़ाइनर कुंदन बैंगल्स। इसमें मैंने डिज़ाइनर कुंदन यूज़ किए हैं और एक आप इजीली घर पर बना सकते हैं इसे। इसे आप साड़ी के साथ, बाकी बैंगल्स के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल भी आप ओनली कुर्ताज पे या फिर ड्रेस पे आप इसे वेयर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बैंगल्स आप जब पहनते हो। इसे बनाना भी उतना ही ईजी है। इसका जो मटेरियल है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पे ज्वेलरी का मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा मटेरियल इसका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगता है हम लोग देखते हैं। प्लास्टिक बैंगल्स लगेगी हमें चार, मैंने यहाँ पे चार बैंगल्स लिए प्लास्टिक बैंगल्स। अगर आपके पास पुराने बैंगल्स भी हो प्लास्टिक बैंगल्स वो भी चलेगी। फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू लिया है मैंने, सिल्क थ्रेड लिया है। गोल्डन मैंने इसलिए लिया है कलर ताकि अदर बैंगल्स के साथ वो बहुत जल्दी मैच हो जाता है। आप चाहे तो अदर कलर भी ले सकते हैं, दूसरा कलर भी ले सकते हैं, आपको जो चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। डिज़ाइनर कुंदन्स ली है मैंने यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से बुक लिए, आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं ताकि आप उस पर रैप कर सके। तो हमें इस तरह से यहाँ रैप करना है। देखिए इस तरह से कम हमें 70 to 80 स्ट्रैंड्स लेने हैं। 70 to 80 बार हमें इसे इस तरह से रैप करना होगा। इस तरह से मैंने 70 बार थ्रेड रैप कर लिया है। अब हम यहाँ से बीच में से इसे कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। इस तरह से बैंगल लेंगे यहाँ पे। इस तरह से ग्लू लगा लेना है यहाँ पे फैब्रिक ग्लू, और ये यहाँ से पेस्ट करना है हमें इस तरह से। हल्का सा ग्लू लगा लेंगे और इसे थ्रेड को हम इस तरह से रैप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें खींच के इस तरह से यहाँ पे हमें पकड़ के रखना है इस तरह से, और इस तरह से हम इसे निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरी बैंगल रैप कर लेनी है। इस तरह से पूरी बैंगल मैंने रैप कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पैक करना है इस तरह से, इस तरह से लेके, और यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा का थ्रेड जो है वो कट कर लेंगे हम। इस तरह से हमें पेस्ट कर देना है। इसका जो मटेरियल है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पे ज्वेलरी का मटेरियल अवेलेबल होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनाते हैं उसका मटेरियल जिस शॉप में मिलेगा वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है ऐसे ही। इसको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे। इस तरह से बैंगल रेडी हो गई है। देखिए ग्लू भी ड्राई हो गया है। ग्लू को भी चिपकाने के बाद ड्राई करने के लिए रखना है थोड़ी देर। अब इसके ऊपर अब हम कुंदन चिपकाएंगे। इस तरह से मैंने कुंदन लिए है डिज़ाइनर।
इस तरह से इसके ऊपर कुंदन पेस्ट करना है, इस तरह से। इस तरह से मैंने बैंगल को कुंदन लगा लिए है, इस तरह से रेडी कर लिए मैंने। बाकी के बैंगल्स पे आपको इसी तरह से रेडी कर लेने हैं और इसे सूखने के लिए रखना है थोड़ी देर के लिए। इस तरह से बैंगल्स रेडी हो गई है, कितनी खूबसूरत बैंगल्स लग रही है। इसे आप अदर बैंगल्स के साथ भी पहन सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के सिल्क टाइप के बैंगल्स रखे हुए लिए है। आप कांच के बैंगल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसे इस तरह से भी पहन सकती है तो भी बहुत खूबसूरत लगता है, इस तरह से। देखिए कितनी खूबसूरत बैंगल्स लग रही है। यहाँ आप कांच के बैंगल्स भी ले सकती है, आप दूसरे कलर की बैंगल्स भी इसमें लगा सकती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पूरा से। या फिर इसे आप सिंगल एज अ कड़ा भी आप इसे वेयर कर सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।